महिलाओं का सम्मान हुआ, उसमें डॉक्टर थी, बॉलीवुड की महिला थी, पत्रकार थे और लेखिका भी थे। और मानव विकास की संस्था ने जिस तरह से आज का कार्यक्रम किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि महिलाओं के ओर से जिस तरह से समाज के विकास में जो काम हो रहा है, हमें बड़ा सम्मान देता है। और जैसे मैंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ बेटी बसाओ का भी नारा अब देना होगा, कोई महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। और आने वाले दिनों में सरकार ने भी ये काम करना चाहिए, यही महिलाओं के लिए आदर्शवत होगा। लोकसभा चुनाव की डेट आ चुकी है, किस तरह से चुनाव को देख रहे, जिस तरह से हर पार्टी आकर अपनी बातों को जनता के सामने रख रही है, आपको क्या लगता है जनता को कैसे विश्वास करना चाहिए? जनता को विश्वास है कि इस देश को आगे ले जाने वाले जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको देश में भारतीय जनता पक्ष की ओर से NDA ने काम किया, और महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पक्ष की युति है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना के साथ लोग जुड़ेंगे।